हापुड़ के सरकारी विद्या जैन कन्या इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य ने एक नई तरह की पहल की शुरुआत की। जी हां, आपको बता दें, जैन कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों को क्लासिक डांस में कथक नृत्य का अभ्यास कराया जा रहा है। बच्चों को कथक डांस की ट्रेनिंग देने के लिए मशहूर कथक डांसर बिरजू महाराज के शिष्य विकास कुमार यहाँ पर आए हुए हैं, जो बच्चों को आगामी 6 दिनों तक कथक डांस की ट्रेनिंग देंगे। छात्राएं बेहद शौक से कथक डांस सीख रही हैं और भविष्य में इसको एक रोजगार के रूप में भी अपनाया जा सकता है, जिससे हमारे देश की नारी शक्ति अपने आप को सशक्त महसूस कर सके और हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोया जा सके। वहीं जब हमने इस बारे में छात्राओं से बात की तो छात्राओं ने बताया कि वे लोग मुस्लिम परिवार से आते हैं, जिस वजह से पहले परिजन नहीं माने, लेकिन जब उनको समझाया गया तो वो राजी हो गए। बहुत अच्छा, यहाँ पे मतलब नए नए स्टेप सीखने को मिल रहे हैं। तो घर पे मना करते थे क्या? नहीं, मतलब मैंने घर पे अबू से नहीं बताया था, लेकिन मम्मी से बताया था, तो मम्मी ने मना नहीं करा। अच्छा बेटा, एक बात होगी, आज का जो युग है वो वेस्टर्न तरफ भागता है, आप सांस्कृतिक रूप से आप कल्चर में जा रहे हैं, तो इस कथक को सीखने में और उस वेस्टर्न युग वाले में डांस में कितना डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको? वो तो सब कर लेते हैं, लेकिन इसमें तो बहुत टफ है ये, और इसको मतलब ये सर जो बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे हैं, मतलब नए नए स्टेप बता रहे हैं, लेकिन वो तो बस ऐसे ही कर लेते हैं सब लड़कियाँ। ये है कि हम एजुकेशन कर रहे हैं, इसमें एक अलग आप रिस्पेक्ट बना सकते हैं, आप एक अलग एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जो इसमें कर सकते हैं। जैसे आप PhD कर सकते हैं, जो मास्टर्स है वो इस फील्ड में भी हम रह के इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये सिर्फ इंटरटेन का साधन नहीं है, हम इसमें करियर भी चूज कर सकते हैं, आप इसमें अर्न कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं, आप एक अच्छी जीवन जी सकते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इनके पेरेंट्स को, आम सभी लोगों को? सर, यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जितने भी माता पिता हैं, जितने भी आप पेरेंट्स हैं, आप सब लोगों को यही आदेश देना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ से जुड़े, क्लासिकल चीज़ से जुड़े, और इसको सीखे अच्छे से, ताकि बच्चे आने वाले पीढ़ी में आपको एक सुंदर भविष्य, अपने आप को एक ऊंचे लेवल पे बनकर दिखाएं, ताकि आप एक एग्जाम्पल बन सकें लोगों के सामने, एक आप मिसाल बन सके, कुछ प्रदर्शित कर सके कि मैं यहाँ से खड़ी हूँ, मैं वहाँ से खड़ी हूँ। तो वो वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। ये 6 दिवस की कथक कार्यशाला है, इसमें हम पूरे वर्ल्ड फेमस जो है हमारे पंडित बिरजू महाराज जी, उनके शिष्य हैं श्री विकास कुमार जी, उनके द्वारा हम बच्चों को कथक सिखाएंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि जो हमारे छात्र, जो हमारे जो बच्चे हैं, वो हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरफ ही जा रहे हैं, जो अपना जो शास्त्रीय संगीत है, जो शास्त्रीय नृत्य है, उसकी तरफ हम भूल गए हैं, तो हम वापस लौटें, उस नृत्य की तरफ लौटें, क्योंकि यही नृत्य हैं जो जीवन में संतुलन लाते हैं, साधना लाते हैं, और हमारा छात्र या हम अच्छा, बताया जा रहा है कि आपके यहाँ 85% बच्चे मुस्लिम समुदाय से हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपके? दिक्कतें वैसे कुछ नहीं आती है, बच्चों में बहुत क्षमताएं हैं, उनमें आगे बढ़ने की ललक भी है, वो अपनी तरफ से प्रयास भी बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो दिक्कत हमें आती है वो आती है उनके परिवार की तरफ से, कि जो परिवार है उनकी जो सोच है वो ये है कि बच्चे केवल कक्षा 12 तक पढ़े और उनकी हम शादी ब्याह कर दें, तो केवल अक्षर ज्ञान ले लें। जहाँ एक और हमारे देश में इस समय वेस्टर्न डांस का कल्चर बहुत अधिक देखने को मिल रहा है और बच्चों में इसका क्रेज भी बहुत अधिक है, लेकिन प्रधानाचार्य की इस पहल से बच्चे अपने सांस्कृतिक प्रोग्रामों से भी जुड़े रहे, इसको लेकर इस मुहिम की शुरुआत की गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से नदीम अहमद की रिपोर्ट।